नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा ग्रुप में। और आज हम आपके लिए एक सेशन लेकर आए हैं जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो एसओ की पोस्टिंग डिक्लेयर करी है उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश महागुरु। तो इंग्लिश महागुरु, ओवर टू यू। आप बताइए क्या है ये एसओ के पोस्ट के बारे में, क्या जितनी ज्यादा आप जानकारी हमारे कैंडिडेट को। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात करें, वैकेंसी आई हुई है एसओ की बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में। जी, फटाफट बात कर ले रहे हैं यहाँ पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है दैट इज 14th of November यानी आज की डेट है, चिल्ड्रंस डे आज से शुरुआत कर पाएंगे। और दिसंबर में बात करें तो 5th of December को यहाँ पर इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की। सेम यही डेट है आपके पेमेंट को भी करने की। स्पेशल इसकी बात करें, इसके बाद हम नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने यहाँ दी हुई है, जिन जिन पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करें। 11 पोस्ट एक्चुअली यहाँ पर डिक्लेयर हुई है पोस्ट, देन उसके बाद उनकी एज भी दी हुई है यहाँ पर, साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो भी सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको इजीली ये लोग पढ़ सकते हैं। स्पेशल जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं। देखिए 11 पोस्ट है आपके सामने यहाँ पर, इसके बाद स्पेशल चीज है वो देखिए यहाँ की बात हो रही है, मैं यहाँ पर बता दूं। जी जी, वो जो स्पेशल यहाँ पर चीज है जिसको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, इन ऑल केसेस वी आर एमबीए और पीजी डिग्री डिप्लोमा और इक्विपमेंट इज मेंशन्ड एज क्राइटेरिया फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके लिए आपकी गाइडलाइंस क्या है वो हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं। यानी कि जो कोर्स होगा इसमें 2 years वाला कोर्स होना चाहिए, जिसमें आपका एमबीए किया हो तो 2 years और पीजी डिग्री कोई भी हो या डिप्लोमा हो तो उसकी ड्यूरेशन आपकी 2 years वाली होनी चाहिए। अब हमने देखा यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के लिए जो लास्ट पॉइंट दिया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दिया है कैंडिडेट्स हैविंग पीजी डिग्री, एमएमएस, एमबीए, पीजी डिप्लोमा विद मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जी जी जी, यानी कि अगर जिनकी स्पेशलाइजेशन 2 से ज्यादा होगी दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जी, यानी कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन मोर देन 1 हो सकती है बट नॉट मोर देन 2। मतलब कई जगह ऐसा होता है ना, मेजर और माइनर में चलता है, तो वो आपका मेजर वो लोग लेंगे मेन सब्जेक्ट। अगर आपने दोनों मेजर सब्जेक्ट ले रखे हैं अपने, जैसे मान लीजिए फाइनेंस और एचआर, तो अगर आप फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक मेजर सब्जेक्ट यानी एक उन दोनों में से आपका क्या होना चाहिए, वो टॉप जो आपने चूज किया उसमें आना चाहिए। अगर आपने मान लीजिए मेजर जो आपके 3 सब्जेक्ट चूज करे, मान लीजिए एचआर, फाइनेंस और अकाउंट्स, 3 चूज किए थे आपके मेन सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट अगर आपने करे हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। Exactly. अब एक लाइन है जो कि 2 stars यानी डबल स्टार्स में दी हुई, जिसे पढ़ना मैंडेटरी है, दिया हुआ है बैंक रिजर्व्स द राइट टू सेलेक्ट द कैंडिडेट ऑन अ रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। इन केस ऑफ कैंडिडेट इज सेलेक्टेड अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस देन द एंगेजमेंट विल बी फॉर 3 years विद ईयर परफॉर्मेंस रिव्यू, यानी अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस उसको रिव्यू किया जा सकता है, रिव्यू करके 3 years रखा जा सकता है। इसके बारे में जरा थोड़ा और बताते हैं। देखिए क्या होता है, अभी तक हम लोग को ये पता था कि बैंक के में जब भी जॉब इस तरीके निकलती है वो एक तरीके से परमानेंट जॉब होती है, जब नेशनल बैंक में निकलती है। बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है। इस बार बॉब ने जो ये जॉब्स निकाली हैं वो 2 क्राइटेरिया में निकाली है। कुछ लोगों को वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखेगा, कुछ लोगों को परमानेंट बेसिस पे रखेगा। जिनको वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखेगा, परफॉर्मेंस पेपर की परफॉर्मेंस में आपकी कैसी रही उसके अकॉर्डिंग जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखेगा, उनका ईयरली वो क्या करेगा, अपना एक ईयरली रिव्यू देगा, और उस रिव्यू के बाद वो आपको क्या करेगा, आपको आगे करेगा अगर वो 3 साल तक करना चाहता है। अगर आपको वो परमानेंट रखता है तो जो सर ने यहाँ पे जूम कर दिया है वो है कि वो आपको पहले 12 महीने या 1 साल प्रोबिशन पीरियड पे रखेगा उसकी ज्वाइनिंग तक। ठीक है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी 1 साल का प्रोबिशन होगा, उसके बाद आपको अगर आपको वो परमानेंट आगे रखता है तो आपका जो सर्विस पीरियड होगा वो मिनिमम 3 साल का होगा। Exactly. यानी आप 3 साल से पहले रिजाइन नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा, यानी आपको 1.5 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे बैंक को अगर आप क्विट करते हैं उस टाइम से पहले। चल, इसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है टोटल, अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 427 पोस्ट यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है वो तो हम लोगों को। चल, अब इसके बाद हम लास्ट देखें जो हमारा पैटर्न है पेपर का पैटर्न, जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखूं यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज, यानी वो सब्जेक्ट जिसमें आपकी यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है, जो भी आपने 2 years डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें वो 50-50 सभी में आएगा, यानी कि 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। मार्क्स की बात करें, रीजनिंग कंटेन्स 50 मार्क्स एंड इंग्लिश की बात करें तो 50 क्वेश्चन है बट इट कंटेन्स 25 मार्क्स।
अगेन अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, अगेन इट कंटेन्स 50 मार्क्स, बट प्रोफेशनल नॉलेज में 25 मार्क्स एक्स्ट्रा ही कंटेन करेगा, यानी 75 मार्क्स टोटल अगर हम बात करें, दैट वुड बी ऑफ 200 मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स का हो जाएगा, जहां पर 2 आवर्स का इनको कंपोजिट टाइम मिलेगा। चलिए लास्ट एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट इनके लिए रखती है, जो आपकी यहाँ GDBI स्पेशल के बारे में अगर थोड़ा इनको हाईलाइट कर दूं मैं, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर GDBI वुड बी 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी। जी जी, इट मींस कि यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यू मस्ट अक्वायर 60% एटलीस्ट मार्क्स इन GDBI, और अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं है, बाकी रिजर्व किसी भी कैटेगरी में आते हैं, देन 55 मार्क्स, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। मतलब इसमें भी उनने आपके लिए एक मिनिमम कैटेगरी रख दी है कि इतना क्वालिफाई करेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। एग्जैक्टली। चलिए अब इसके बाद फी की बात कर लें, तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन योर फी जो होगी वो ₹600 होगी, एंड अदर देन दैट यू कैन पे ₹100 फॉर दैट चार्ज। एग्जैक्टली। चलिए ₹600 फीस जो आपकी नॉर्मल फीस रहती है बैंक के फॉर्म्स की, वही है। तो अगर आज हम बात करें तो इतना ही जो हमारा सेशन था, और जिसको आपको बहुत अच्छे से हमारे इंग्लिश गुरु ने बताया, जो जो डिटेल्स थी, आप बाकी डिटेल्स बॉब की साइट पे जाकर डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसका रिजॉल्व करने की। तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको ये वीडियो यूजफुल में लगे, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें हमारे